शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दीजिए। सेड करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा। सच्ची से इतनी छोटी सी सुई से डर गए तो? कहां तो तुम चाकू का वार लेके सह गए, और कहां चीटी सी सुई से डर लग रहा है। कहा तो हमने सुना था कि तुम बड़े हीरो हो, कहीं भी लड़ पड़ते हो, झगड़ पड़ते हो, तुम्हें तो दर्द वर्द नहीं होता ना। किसने कहा मुझे दर्द नहीं होता? मुझे भी दर्द होता है, मैं भी तो इंसान ही हूं ना, कोई चांद या मंगल से आया हुआ प्राणी तो हूं नहीं। और किसने कहा तुम्हें कि लड़कों को दर्द नहीं होता? लड़कों को भी दर्द होता है, छूट उन्हें भी लगती है आश, जख्म उनके भी गहरे होते हैं, सीने में चुभन उनके भी होते हैं, उनके दिल की धड़कन में भी किसी का प्यार धड़कता है। वो भी किसी से जुड़ते हैं, किसी से टूटते हैं, किसी के करीब आना चाहते हैं। उन्हें भी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनके पास भी औरों की तरह दिल होता है। अंकल जी, आज जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही आशी को सप्लायर के पास लेके गई थी, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, कहीं जाने से पहले उस जगह की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी, कैसे लोग हैं, कैसी जगह है, बिना कुछ जाने अनजाने में वहां चली गई, वो भी आशी को लेके। सॉरी अंकल। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना तो पड़ेगा ना अंकल, इसलिए तो आशी को सेट के पास अकेले भेज दिया। अब उन लव बर्ड्स को मिला है थोड़ा अकेले में टाइम, अब खिलेगा उनके प्यार का फूल और बजेगा गीत का ढोल। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, हम जाते हैं। फूल तो ऐसे रही हो जैसे बहुत परवाह है तुम्हें मेरी। सिटी, क्या बेवकूफ हो जैसी बातें कर रहे हो। आशी, मैं बेवकूफों वाले सवाल कर रहा हूँ, तुम समझदारों वाला जवाब दे दो। बोलो, है परवाह मेरी? सिर, तुम अच्छे हो, अच्छे लड़के हो, पर... और तुम्हें तो अच्छे लड़कों से प्रॉब्लम है ना? सिर, तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर, सारा सच जानते हो ना हमारा, उसके बाद भी ये सब बातें। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी जिंदगी में किसी लड़के की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम जान के भी अनजान बन रहे हो ना, तो उसमें तुम्हारी गलती है। सिर्फ नासमझ मत बनो, हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, वक्त को, हालात को, सबको समझते हो, तो हमको भी समझो ना। तुम हमें जितने जल्दी समझोगे ना सिर्फ, उतना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। समझ गए ना सिर्फ? क्या हुआ सिर? सिर तुम ठीक हो?
रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं। अब ठीक हो? रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज। सॉरी, हमने तुम्हारी कराह सुनी इसलिए जल्दी में ध्यान नहीं रहा। दिल का मिजाज इश्किया। जानता हूँ, समझता भी हूँ। लोगों में तन्हाई, दिल का मिजाज इश्किया। ऐसा है बेटा, ठीक तो है ना? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। वैसे भी आपका बेटा इतना भी कमजोर नहीं, ये मामूली सी चोट उसे तोड़ सके। बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ने की हिम्मत रखने वाला, ये मामूली जख्मों से घबराते नहीं। आई नो, मेरा बेटा बहुत दिलेर और बहादुर है। आई स्ट्रॉन्ग बॉय। आर यू ऑलराइट? ठीक हूँ अंकल। अरे आप सब हमारे नेप्यू को ऐसे लुकिंग क्यों कर रहे हैं? सीन कर लिया ना सबने, बस चलिए रेस्ट इन पीस होने दीजिए उसे। रेस्ट हुआ जी, रेस्ट। एग्जैक्टली, रेस्ट। लेट अस गो। हाँ हाँ, आइए चलिए, चलो बेटा। गीत, तुझे टेंशनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं, तेरी कामिनी बुआ है ना, हम तेरे लिए एक अजब गजब प्रिंस हार्मिंग लड़का ढूंढेंगे, देख लेना। प्रिंस चार्मिंग। एग्जैक्टली, प्रिंस हार्मिंग। और उसकी कोई जरूरत नहीं है फुआ जी, जो रिश्ता आपने मेरे लिए पहले चुना था वो परफेक्ट है। जो जोड़ी आप पहले जोड़ने वाली थी, जोड़ी तो अभी वही जोड़ेगी। दुल्हन तो मैं अभी सिटकी बनूंगी। किसने कहा तुम्हें कि लड़कों को दर्द नहीं होता? झूठ उन्हें भी लगती है आश, उनके दिल की धड़कन में भी किसी का प्यार धड़कता है, किसी के करीब आना चाहते हैं। ओए कहाँ खो गई बिंदी, तू ठीक तो है ना? करना। हाँ हम ठीक है। आशी तुमने दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया, मुझे जोकर बना दिया। पर शायद तुम भूल गई हो कि जोकर अगर बाजी बना सकता है तो बाजी बिगाड़ भी सकता है। अब देखो ये जोकर कैसे तुम्हारी बाजी पलट के खुद बाजी जीतता है। गीत बिटिया, ये लो तुम्हारी कॉफी। ये आपने क्यों बनाई, मैं बना लेती। अरे इतना काम करती हो, थक गई होगी, पी लो। थैंक यू। ये आजकल क्या मैसेजेस आते रहते हैं। हमारी सहेली है। अरे आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? अब तो डॉक्टर ने बोल दिया ना कि सिर बिल्कुल ठीक है, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, जरा सी लगी थी, बच गया वो, कुछ नहीं हुआ है उसे। तो प्लीज अब आप लोग भी ऐसे टेंशन मत लीजिए। हाँ अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप लोगों ने आज के लिए क्या प्लान किया है। मतलब हमारी आशी का बर्थडे है आज, तो कुछ तो खास होना चाहिए, है ना? अब आशी इतनी खास है तो पार्टी हो जाए। ये पार्टी वार्टी हमारे घर का रिवाज नहीं है, हम नहीं मानते इन बातों पर। हमारे घर में ना कभी पार्टी हुई है और ना कभी होगी। हाँ तो अब कर लेते हैं ना आंटी, कसम से बहुत मजा आएगा, डेकोरेशन सेलिब्रेशन इतने लोग। और फिर अमृता आंटी, इस बहाने में सिद्ध से भी मिल लूंगी। लेकिन सिद्ध तो प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। देखो आपको तो पता है ना कि सिद्ध मेरा प्यार है, अगर उससे मिल लूंगी तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो प्लीज हाँ कर दीजिए ना पार्टी के लिए, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा इतना मन है तो
कर लो पार्टी। थैंक यू। आंटी आपको पता नहीं है, आपने सेलिब्रेशन को नहीं आशी की जिंदगी में एक बहुत बड़े तूफान को आने की परमिशन दी है। आशी अब तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अब किस बात का इंतजार है? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, घर में पार्टी है, तो हम लोगों को तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है। हाँ पेदी चलना, रेडी होना है, चल 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 चल। हाँ